नमस्कार। तुला राशि पर विस्तार से चर्चा करेंगे, इस बात को लेकर कि एक सप्ताह के अंदर अंदर कुछ बड़े बदलाव, कुछ बड़े परिवर्तन ग्रहों में हो रहे हैं और तुला राशि पर उसका क्या प्रभाव और स्वभाव, इसके अलावा उन ग्रहों का जो बदलाव हो रहा है उनका बिहेवियर तुला राशि के किन किन भावों पर इफेक्ट करेगा और तुला राशि को इसके क्या लाभ मिलेंगे। इसके अलावा 31 मार्च तक कौन कौन से ग्रहों का परिवर्तन होना है और उसके साइड इफेक्ट क्या है। तुला राशि वाले सभी भाई बहन, बहुत शिक्षित लोग जो इस ज्योतिष की नस नस को जानते हैं और अच्छी बेसिक नॉलेज भी रखते हैं, उन सभी को समर्पित है ये वीडियो। मैं पहले ही एक बार सूचित करना चाहता हूं सभी भाई बहनों को, बाद में लोग पूछते हैं ये चंद्र से देखें या लग्न से देखें। आप चंद्र से भी देखिए और लग्न से भी देखिए, इस प्रकार का प्रिडिक्शन कोऑर्डिनेशन करके हम वीडियो बनाते हैं। लेकिन अपना सूत्र कोई नहीं बताता, हम साथ में सूत्र भी बताते हैं कि इस ग्रह के कारण ऐसा हो रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। तुला राशि पर पंचम भाव में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है कल, यानी के कल आपके पंचम भाव से हटने वाला सूर्य जो आपकी बुद्धि को, ज्ञान को, विवेक को भ्रमित कर रहा था और संतान के लिए कष्टकारक बना हुआ था, वो सूर्य वहां से हटेगा और जाएगा कहां, छठे भाव में। त्रिकटे एकादशे राहु, त्रिकटे एकादशे शनि, त्रिकटे एकादशे भौमे सर्वारिष्ट निवारणम, सभी अरिष्टों को दूर करने के लिए आपके छठे भाव में राहु और सूर्य की युति होगी। ये ग्रहण योग बनाएंगे, आपके शत्रुओं को पीड़ा देंगे, आपके रोग समाप्त होंगे, आपका पराक्रम बढ़ेगा। पराक्रम की वृद्धि करने वाला छठा भाव है और साथ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचानक आपकी यात्राएं और खर्चा कराने वाला बारहवें स्थान में केतु भी है। तो आपको यात्राओं से बचना है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस नहीं करना। अचानक कोई खर्चा आएगा, मना कर दो, किसी को उधार भी मत दो, अन्यथा आपको परेशानी होगी। 15 तारीख को 15th of March मंगल और शनि जो आपके चतुर्थ और पंचम योग कारक भाव के स्वामी हैं, उनके साथ मंगल का संयोग होगा। मैं यहां एक बहुत स्पष्ट बात करना चाहूंगा, तुला लगन के लिए सप्तम भाव और धन कुटुंब वाणी, ये दो स्थान हैं, इनके स्वामी मंगल होते हैं। तो जब मंगल की दशा होती है तो लोग सोचते हैं मार्केश है, मार्केश का जो सूत्र है दूसरे और सप्तम भाव में, तो मृत्यु देगा, ये ऐसा नहीं है, भ्रम फैलाया हुआ है। शास्त्र कहता है, लघु पाराशरी का सिद्धांत बताता है कि न भौमो मारको भवे, मंगल मारक नहीं होता, मंगल की महादशा में राहु कष्ट दे सकता है, लेकिन मंगल की महादशा में तुला राशि वालों की कभी मृत्यु नहीं होती, ऐसा शास्त्रों का कहना है। अब आइए बात करते हैं 16 तारीख को आपकी चतुर्थ भाव और पंचम भाव के स्वामी का उदय होना, और ये जो मंगल है जिसकी बात हम कर रहे थे कि न भौमो मारको भवे, ये आपके पंचम भाव के स्वामी के साथ होगा। अचानक कोई भी छोटा मोटा गुस्सा, अशांति, तनाव, बिना सोचे समझे कोई काम करना,
ये आपके लिए उचित नहीं होगा क्योंकि ये नुकसानदायक है आपके लिए, खासतौर से तुला राशि के लिए। लेकिन छठे भाव का राहु और सूर्य आपको पराक्रम को बढ़ाता है। इसी के साथ साथ आपकी राशि को पूर्ण दृष्टि से बृहस्पति देखता है। इसके अलावा भी और अन्य कई ग्रह आपके साथ आपके संपर्क में बने हुए हैं। 31 मार्च को आप देखिए, 31 मार्च को शुक्र जो ग्रह है वो उच्च राशि में आएगा और तुला राशि का स्वामी चूंकि शुक्र होता है, जब इसका स्वामी उच्च में आएगा तो आपको अच्छे ही परिणाम देगा, अच्छे फल देगा, अच्छा स्वास्थ्य देगा, अच्छी डायरेक्शन में, अच्छी दिशा में आपकी जो उपलब्धियां हैं वो होंगी। आपके इष्ट मित्र जन वही सलाह देंगे आपको जो आपके भाग्य में लाभकारी होगा, बहुत अच्छा होगा। तो कुल मिलाकर के यहां हम तुला राशि के लिए भूमि भवन वाहन सवारी प्रॉपर्टी पैसा स्वर्ण रत्न आभूषण और अच्छी अच्छी खुशबूदार वस्तुएं खान पान की हो चाहे पहनने की हो आपके लिए सब मुहैया कराने वाले ग्रह विद्यमान हैं। इसके अलावा भी आप देखेंगे आपकी जो दशा है ज्यादातर तुला राशि वालों की, इस समय राहु की दशा सबकी समाप्त हो चुकी है। बृहस्पति शनि और बुध ये तीन ग्रह हैं, इनकी दशा चल रही है। बृहस्पति शनि और बुध चाहे वो विशाखा नक्षत्र के हों, चाहे स्वाति के हों या चित्रा नक्षत्र के, बृहस्पति जो जो समझने लायक हैं लोग बात, उनकी बात कर रहा हूं जो समझदार हो चुके मैच्योर हैं, बृहस्पति शनि और उसके बाद बुध, बुध की दशा अच्छा फल प्रदान करेगी और उसके बाद और भी दशाएं आगे जितनी भी दशाएं होंगी केतु से लेकर के शुक्र तक सब दशाएं अच्छा फल अच्छा परिणाम देने के लिए चल रही हैं। अब हम एक और नई बात बताएं, जिनकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह नीच राशि में है, अस्त है या वक्री है, उनको अच्छा फल नहीं मिलेगा बृहस्पति की दशा में। युवावस्था में यह दशा रहती है तुला राशि वालों की, लेकिन बृहस्पति शनि और बुध ये इन दशाओं में शनि ज्यादा लाभ देता है क्योंकि तुला राशि के कारकत्व भाव बनता है, चतुर्थ और पंचम का स्वामी बनता है और बुध की महादशा में विदेश यात्रा के योग बनाता है या जन्म से दूर जाकर व्यक्ति निवास करता है और वहां जाकर के अपना भाग्य को उदय कर लेता है। अब 15-16 मार्च को अपने स्वास्थ्य का ध्यान ज्यादा रखना है तुला राशि वालों को, इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है क्योंकि 15-16 मार्च को खास तौर से आपकी कुंडली में अगर देखा जाए तो चंद्रमा जो है अष्टम स्थान पर होगा। जब अष्टम स्थान चंद्रमा होता है तो नकारात्मक सोच, अशांति, तनाव, टेंशन, बुझा हुआ चेहरा, और जब चंद्रमा आपके लग्न में होता है तो 440 वोल्ट का फोकस चेहरे से दिखाई देगा और अद्वितीय आपकी कांति युक्त शरीर आभा मंडल में और गीत गुनगुनाते हुए आप नजर आएंगे। लेकिन 15 और 16 में खास तौर से आपको मैं बताऊं कि उस दिन कृतिका नक्षत्र होगा, वृषभ राशि में चंद्रमा होंगे और 16 तारीख को जो नक्षत्र होगा वो होगा रोहिणी, ये भी वृषभ राशि का चंद्रमा है। तो कुल मिलाकर के ये दो दिन 15 और 16 अच्छा परिणाम नहीं देंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, नाभि से नीचे के रोग तथा स्वास्थ्य को लेकर विशेष ध्यान रखना, चिड़चिड़ापन, एंग्जाइटी, तनाव, चिंता, अशांति, परेशानी सिर्फ दो दिन के लिए, बाकी जो विश्लेषण मैंने बताया वो आपके ऊपर घटित होगा।
इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।